तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के ग्रीक गोट ऋतिक रोशन की पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म सुपर 30 के 8 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने अब तक हिंदुस्तान में कितने करोड़ कमाए और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों बिहार के जाने माने गणित टीचर आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने, और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी और आदित्य श्रीवास्तव। दोस्तों आपको बता दें फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में काफ़ी शानदार कलेक्शन किया और फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फिल्म का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही फिल्म के लिए एक बड़ी खुशखबरी और आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस फिल्म को दो दिन पहले बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया था, इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को आज से राजस्थान में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को तो रिलीज होने के टाइम ही ऑल इंडिया में टैक्स फ्री कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है धीरे धीरे ही सही, लेकिन फिल्म अब हिंदुस्तान के दो बड़े स्टेट में टैक्स फ्री हो चुकी है। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 11 करोड़ 83 लाख रुपए, दूसरे दिन कमाए थे 18 करोड़ 19 लाख रुपए, तीसरे दिन कमाए थे 20 करोड़ 74 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती तीन दिन यानी अपने वीकेंड में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था। अब अगर दोस्तों बात करें फिल्म के वीकडेज यानी वर्किंग डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने मंडे यानी चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 6 करोड़ 92 लाख रुपए, वही पांचवें दिन यानी मंगलवार फिल्म ने कमाए थे 6 करोड़ 39 लाख रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने बुधवार यानी अपने छठे दिन कमाए थे 6 करोड़ 16 लाख रुपए, वही दोस्तों अगर बात करें सातवें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने सातवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 6 करोड़ 10 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी अपने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन कर लिया था 76 करोड़ 23 लाख का। वही दोस्तों आप अगर बात करें फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म को 8वें दिन से बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म का कंपटीशन मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग आज से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है, जिसकी वजह से सुपर 30 को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी सुपर 30 फिल्म अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर डट के चल रही है और फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 20 से 22% की ऑक्यूपेंसी मिली है। वही नाइट और इवनिंग के शोज भी इस फिल्म के लगभग अच्छे खासे एडवांस बुक हो चुके हैं। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आई है उसके मुताबिक सुपर 30 अपने 8वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है 4 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो 8 दिन का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 81 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 95 करोड़ रुपए। और अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक कमाए हैं 23 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 118 करोड़ का। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है और जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी चल रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म एक हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर और अच्छा कारोबार करेगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आपके पास सिर्फ 7 से 8 दिन का टाइम और है, उसके बाद शायद ये फिल्म थिएटर से उतर सकती है। इसके लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ इस फिल्म को देख के जरूर आए, ऐसी फिल्में बॉलीवुड में काफ़ी कम बनती है। और अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।